हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में उन सेंटेंसेस के बारे में जिनमें दो कार्य हो रहे होते हैं। उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। नेगेटिव सेंटेंसेस आप जानते ही हैं क्या होते हैं, जिनमें नहीं शब्द आता है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है, ठीक है। जिस वाक्य में नहीं आएगा उसका, उसको हमें नॉट लगाएं, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, ठीक है। तो सिक्वेंस लिख लेते हैं, जैसे कि बिफोर वाले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस हैड लगाते हैं, तो हैड के साथ नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। प्लस बिफोर आएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस अदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है। ये हो गया बिफोर वाला, जिसमें बिफोर आता है। अब हम लिखेंगे आफ्टर वाले में। तो आफ्टर वाले में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट पहले बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब निगेटिव में जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिड नॉट, क्या लिखते हैं, डिड नॉट। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन हम जब निगेटिव में लिखते हैं तो इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और डिड लगा देते हैं। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आफ्टर, प्लस सब्जेक्ट, सेकंड वाला सब्जेक्ट, प्लस हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होते हैं हमारे टू रूल्स, ओके। ये क्या है, हमारे टू रूल्स हैं, और इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल करते हैं हम। वन, मेरे यहाँ आने के बाद तुमने खाना नहीं खाया था, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है बाद, बाद यानी आफ्टर, आफ्टर वाला इसमें हम रूल लगा देंगे, जिसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम वैसे लिखेंगे यू, लास्ट वाले पार्ट की इंग्लिश पहले बनाते हैं ना, तो यू डिड नॉट ईट द फूड, यू डिड नॉट ईट द फूड आफ्टर आई हैड कम हेयर, ठीक है। आफ्टर आई हैड कम हेयर, ठीक है। सेकेंड वाले रूल लगा इसमें, क्योंकि इसमें आफ्टर आया है, आफ्टर वाले में आफ्टर का रूल लगेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, ट्रेन के जाने के बाद मैं मुंबई नहीं गया था। तो यहाँ फिर आफ्टर आ रहा है, तो फर्स्ट लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव में। तो आई डिड नॉट गो टू मुंबई
आफ्टर ट्रेन हैड डिपार्टेड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं हम। जो रूल लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे तो बहुत इजी हैं सेंटेंसेस। ओके, आप रूल्स को ध्यान से पढ़िएगा और तब सेंटेंस बनाइए, बहुत इजीली बन जाएंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले तुम घर पर नहीं जा चुके थे। तो इसमें लास्ट वाला सेंटेंस पहले लिखते हैं और किसमें बनाते हैं, हैड में, है ना। यू हैड नॉट गोन, यू हैड नॉट गोन टू होम बिफोर। यू हैड नॉट गोन, हैड के साथ शॉर्ट फॉर्म आती है, यू हैड नॉट गोन टू होम बिफोर आई रीच्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, फॉर आई रीच्ड स्कूल। ठीक है, ये हो गया थर्ड वन। अब हम करेंगे फोर्थ। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था, तो इसमें क्या होगा, लिखेंगे पेशेंट, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। ओके, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट बनाया है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। रात होने से पहले मेरा भाई घर नहीं आ चुका था। तो my brother had not, हैड आता है ना लास्ट वाले पार्ट बनाते हैं और बिफोर वाले में पहले हैड आता है। तो my brother had not come to home before night fall। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।